और महंत बनाने के बाद कहा कि देखो बेटा, सब तो हमने तुमको दे दिया लेकिन अभी तिजोरी की चाबी नहीं दी। क्या कहा फिर से सुन लो, हमने सब कुछ दे दिया, तुमको कुछ बचा के नहीं रखा, पर अभी तिजोरी की चाबी तुमको नहीं दी। जब राम जी प्रेरणा करेंगे तो बस वो और देके हम निर्भर हो जाएंगे। तो शिष्य भी ऐसा कोई लोभी लालची नहीं था, वो भी परम गुरुनिष्ठ था और जानता था कि गुरु जी तो सर्वथा निर्लोभ निष्काम हैं। किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, ये उस प्रत्येक वैष्णव के लिए है जो इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, भगवान की ओर बढ़ रहा है। ऐसे प्रत्येक आस्तिक भक्त वैष्णव के लिए विनय पत्रिका अत्यंत उपयोगी है, अत्यंत उपयोगी। हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा हुई, परम श्रद्धे पूज्यपाद प्रातस्मरणीय अनंतश्री समलंकृत मानस मर्मज्ञ पूज्यपाद श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी महाराज ने अपने लेखनी से संपूर्ण भक्तमाल छप्पे कवित्त मूल मूल लिखा और अपनी लेखनी से संपूर्ण विनय पत्रिका उन्होंने लिखी। आएगा तब हम दर्शन कराएंगे कि रामायण जी ने कितने सुंदर लेख में लिखा है, पूरी विनय पत्रिका और पूरी श्री भक्तमाल जी को लिखा है। और उन्होंने कहा, श्री रामायण जी ने दास को बोले, यद्यपि रामायणी कुटी हमने आपको दे दी है लेकिन वो तो ईंटा पत्थर है, हमारी अपनी संपत्ति भक्तमाल और विनय पत्रिका ही है, यही मेरी आध्यात्मिक संपत्ति है और मैं किसको दूं। तो राम जी प्रेरणा कर रहे हैं कि तुमको ही दे दें। हमने कहा महाराज जी, हमने दर्शन कर लिए, आपके पास सुरक्षित रहे, इसकी फोटोकॉपी हमको करा के, हम फोटोकॉपी करा देते। फोटो बोले नहीं नहीं, फोटोकॉपी नहीं, हमने जो लिखा है वही रखो। और मूल प्रति उन्होंने दे दी, आज भी हमारे पास विराजमान है। और देते समय एक इतिहास सुनाया विनय पत्रिका के संबंध में। इतिहास यह सुनाया कि श्री अवध में एक सिद्ध संत थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे, उनका आश्रम भी था, श्री रामानंद संप्रदाय के थे और उन्होंने, उनके कई विरक्त योग्य शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य को भगवान की सेवा, गौ ब्राह्मण संत मठ की सेवा का पूरा भार उसे सौंप कर उसे विधिवत महंत बना दिया। और महंत बनाने के बाद कहा कि देखो बेटा, सब तो हमने तुमको दे दिया लेकिन अभी तिजोरी की चाबी नहीं दी। क्या कहा फिर से सुन लो, हमने सब कुछ दे दिया, तुमको कुछ बचा के नहीं रखा, पर अभी तिजोरी की चाबी तुमको नहीं दी। जब राम जी प्रेरणा करेंगे तो बस वो और देके हम निर्भर हो जाएंगे। तो शिष्य भी ऐसा कोई लोभी लालची नहीं था, वो भी परम गुरुनिष्ठ था और जानता था कि गुरु जी तो सर्वथा निर्लोभ निष्काम है, कोई ऐसी तिजोरी है ही नहीं स्थान में जो रखी हो, पर गुरुजी कह रहे हैं तो
हम लोग तो सामान्य जीव हैं, गुरुजनों की गंभीर वाणी का तात्पर्य क्या समझें। बोले गुरुदेव जब इस बालक को अपने इस योग्य समझना तब दे देना। लंबे समय तक शिष्य ने सेवा की, गुरुजी प्रसन्न हो गए। बोले अब हमारे भगवत धाम जाने का समय आ गया, अब तिजोरी की चाबी हम तुमको दे रहे हैं। तो पहले समझ लो तिजोरी क्या है और चाबी क्या है। बोले भगवान की भक्ति रूपी जो रत्न है ना, वो तिजोरी में बंद है। चाहे जितना ज्ञान ध्यान करो, जप तप करो, चाबी नहीं होगी तो तिजोरी के रत्न मिलेंगे नहीं। प्रेम रूपी रत्न, भक्ति रूपी अमूल्य निधि जिस तिजोरी में बंद है, उस तिजोरी की चाबी हम तुमको दे रहे हैं। ये चाबी खोलकर उन रत्नों के प्रकाश में तुम जीवन कालक्षेप करना, अंधेरे की ओर मत जाना। और ऐसा कहकर गुरुजी ने अपनी छाती से लगा के रखते थे हस्तलिखित विनय पत्रिका, और विनय पत्रिका उन्होंने प्रदान की। कहा ये तिजोरी की चाबी यही है, हैं? भक्ति रूपी तिजोरी की चाबी क्या है? विनय पत्रिका। इसका मतलब उसके भीतर सब है, ज्ञान उपासना भक्ति कर्म प्रपत्ति वैराग्य सब कुछ, सारे रत्न उसमें भरे हैं, लेकिन विनय पत्रिका की चाबी से खोलेंगे, विनय पत्रिका के आश्रय से ही प्राप्त होंगे, ये भाव है। ऐसे विनय पत्रिका में राम नाम की इतनी महिमा गाई गई है कि हमको तो ऐसा कोई पद नहीं लगता जिसमें कहीं ना कहीं राम नाम की बात, राम नाम की महिमा ना आई हो।